हरिओम संत तुलसीदास जी महाराज अपने रामचरितमानस के सुंदर कांड में सबसे पहले भगवान श्री राम की वंदना करते हैं बहुत ही सुंदर श्लोक है हम पहले वो श्लोक गाएंगे और संक्षेप में उसका अर्थ देखेंगे शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरम् भूपाल चूढ़ मणिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूढ़ मणिम हमारी वंदना है करुणाकर रघुवर को जो करुणा के खान है रघुकुल में श्रेष्ठ सभी राजाओं में श्रेष्ठ भूपाल चूढ़ मणिम ऐसे श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ श्री राम कौन है कहते वेदांत वेद्यम विभुम भगवान श्री राम सर्वव्यापी विभुम सर्वव्यापी जिसे हम वेदांत से ही जान सकते हैं ऐसे साक्षात ब्रह्म है जिसे वेदांत सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कहते हैं जिसे नेति नेति करके निर्देशित किया हुआ है जो पूरे जगत के कारण है वही ब्रह्म अपनी ही माया शक्ति से मनुष्य रूप धारण किए हुए है श्री राम के रूप में आए हैं, भगवान अपनी ही शक्ति माया से शक्ति और शक्तिमान भिन्न नहीं है भगवान की ही शक्ति है जिसे हम माया कहते हैं या प्रकृति कहते हैं उसी शक्ति के बल से भगवान ये पूरी सृष्टि की रचना करते हैं और सृष्टि का संचालन करते हैं इसलिए उनको जगदीश्वर भी कहते हैं भगवान सभी देवताओं में श्रेष्ठ है ब्रह्मा शिव और शेष जैसे सदा सेवित है ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिषम वेदांत वेद्यम विभुम राम के रूप में भगवान ने अवतार लिया जब जब धर्म की ग्लानी होती है और अधर्म बढ़ जाता है और धर्म की संस्थापना के लिए भगवान जो है अवतार लेते हैं साधुओं की रक्षा के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए तो राम आख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम भगवान हमारे सभी कष्ट सभी पाप को हरण करने वाले हैं इसलिए उनको हरी भी कहते हैं जब हम भगवान की वंदना करते हैं उनकी सेवा करते हैं उनकी पूजा करते हैं उनके नाम का जप करते हैं तो भगवान प्रसन्न होकर हमें वो निर्वाण रूपी शांति प्रदान करते हैं शांतम शाश्वतम प्रमेयनघम जो प्रमाण से भी परे है सनातन जो शांति है जो निष्पाप है मोक्षरूपी शांति जो है परम शांति देने वाले भगवान श्री राम है तो नित्य निरंतर हमें उनकी पूजा आराधना सेवा भक्ति करनी चाहिए सबसे सुलभ उपाय जो है भगवान के नाम का संकीर्तन कहते हैं कलियुग में यही एक आधार है नहीं ही कर्म न भगति विवेको राम नाम अवलंबन एको भगवान के राम नाम की हम अगर निरंतर वंदना करते हैं उसका जप करते हैं तो भगवान हम पर प्रसन्न हो जाते हैं बोलिए सिया रामचंद्र भगवान की जय राम 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 राम, राम, राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम